क्वाइजर, अभी अभी मैंने खरीदी है अपनी एक नई नई स्कूटी और मैं लोगों से पूछने वाला हूँ कैसी लग रही है मेरी स्कूटी। हेलो आंटी, मेरी स्कूटी आपको कैसी लग रही है? ए लड़के, आंटी किसको बोल रहे हैं? पहले जाके चप्पल पहन के। अरे आंटी चप्पल को छोड़ो ना, पहले ये बताओ मेरी स्कूटी कैसी लग रही है? बिल्कुल बकवास लग रही है, निकल जाए ऐसे। अरे अच्छा ठीक है, आपको आंटी क्या बोल दिया, आप तो इतने परेशान हो गए। रुको, सामने एक और लड़की है। हेलो दीदी, मेरी स्कूटी कैसी लग रही है? मुझे पहले ये बताओ तुमने चप्पल क्यों नहीं पहन रखी, बिना चप्पल के घूम रहे हो, तुम तो बहुत ही गरीब हो। अरे दीदी मेरी चप्पल को छोड़ो ना, आप ये बताओ ना मेरी स्कूटी कैसी लग रही है? पहले जूता पहन के आओ फिर बताऊंगी। जूता पहन के आओ फिर बताएगी? अरे ये कौन सी दीदी यार, जूता पहन के आओ फिर बताएगी मेरी स्कूटी कैसी लग रही है? एक तो मैं बिना चप्पल जूते घर से निकल चुका हूँ, क्योंकि मेरे पास चप्पल जूते घर पे है ही नहीं। मेरे सारे के सारे जूते खराब हो चुके, सारे फट चुके, मेरे पास जूते है ही नहीं। सब लोग मुझे यही बोल रहे कि चप्पल पहनो जूते पहनो। तो क्वाइजर मेरे पास एक आइडिया, नई स्कूटी तो हमने खरीद ली, क्यों ना नए जूते खरीदे जाए। चलो फटाफट से चलते हैं नए जूते खरीदने। तो क्वाइजर अभी हम इस खतरनाक से स्टोर पे जाने वाले हैं, इनके पास बहुत ही खतरनाक जूते होते हैं, इसलिए हम जाने वाले हैं इनके स्टोर पर और मस्त जूते खरीदेंगे। हेलो अंकल कैसे हो? तो क्वाइजर मैंने आपको बोला था ना, इनके पास बहुत ही खतरनाक शूज है। आप देख सकते हो हमें कितने मस्त शूज पड़े हैं यहाँ पे, तो और भी ज्यादा खतरनाक शूज है, पूरी वॉल शूज से भरी हुई है। ये वाला मुझे बहुत खतरनाक लग रहा है। अंकल ये वाला शू कितने का है, पैक कर दो। सर आपका साइज क्या है? मेरा साइज है 9। ओके सर, ये शू आपको पड़ेगा 9 लाख रुपए का। अरे अंकल शू की बात कर रहा हूँ ना कि पूरे स्टोर की, ये शू चाहिए मुझे ये वाला। हाँ सर मैं आपको शू की प्राइस बता रहा हूँ, 9 लाख रुपए। क्या ये शू 9 लाख रुपए का है? हाँ सर, लिमिटेड एडिशन क्रिस्टल ड्यूअर लोअर बैक इन दी एक्स, ओनली 9 लाख रुपीज। ओनली 9 लाख? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? और ये लाइट वाला शू कितने का है? सर ये वाला शू आपको थोड़ा सस्ते में मिल जाएगा। कितने सस्ते में? ये आपको 1,60,000 में मिल जाएगा। क्या 1,60,000? इतना महंगा शू? अरे तुम क्या बेच रहे हो, इसके अंदर क्या डायमंड भरे हुए क्या? सर इन शू का नाम है एयर मैक्स 6784-3321। इसकी प्राइस है 1,60,000। अगर आपको चाहिए तो बताइए। अरे पागल हो गया क्या, इतना महंगा शू कौन खरीदता है, ये दुकान ही खराब है। मुझे बताओ कि बस सबसे सस्ता शू कौन सा है? सर ये लेडीज का शूज आपको मिल सकता है, बहुत ही सस्ता है ये। कितने का है ये? ओनली 40,000, ले लीजिए। क्या 40,000, वो भी लेडीज का शू? अरे मैं लेडीज का शू तो ना पहनूंगा, और वो भी 40,000, सबसे सस्ता शू यही है? हाँ सर सबसे सस्ता शू यही है हमारे पास। अरे ये लोग तो बिल्कुल पागल हो गए, इनके पास ये शू है इतना घटिया सा, सिर्फ ब्लैक कलर का शू है और वो भी 40,000 रुपए का, ऐसा तो क्या बेच रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे सर हमारे बॉस आ गए, आप उनसे बात कर सकते हैं, आपको कुछ चाहिए तो। हाँ मुझे तुमसे बात भी नहीं करनी, मैं तुम्हारे बॉस से बात करूंगा और उसको बताऊंगा कितने महंगे शूज है। अबे शिनचैन तू? अरे फ्रैंकलिन तू? फ्रैंकलिन भैया से सीधा फ्रैंकलिन तू? हाँ, मैं गरीबों से ऐसे ही बात करता हूँ, तुम मेरी शॉप में क्यों आये हो? अबे शिनचैन तू यहाँ का बॉस है क्या? अरे हाँ फ्रैंकलिन, मैं यहाँ का बॉस हूँ। ये कैसे हो सकता है, तू तो मेरी तरह बिल्कुल गरीब था, तू इतना अमीर कैसे हो गया और इतनी महंगी दुकान कैसे खोल ली? अरे फ्रैंकलिन सबको खुद की तरह समझाया गया, मैंने बहुत ही हार्ड वर्क किया और उसके बाद मैं अमीर बन गया, आपकी तरह नहीं पूरा दिन घूमता रहता हूँ। अबे शिनचैन ज्यादा मत बोल, वो सब छोड़ मुझे ये पता यहाँ पे इतने शूज महंगे क्यों हैं? वहाँ पे एक 9 लाख रुपए का शू है। अरे फ्रैंकलिन ये शॉप तुम जैसे गरीबों के लिए नहीं है, निकल जाओ यहाँ से, यहाँ पे सिर्फ अमीर लोग शॉपिंग कर सकते हैं। अबे शिनचैन ऐसे क्यों बोल रहा है, तू भी इतने महंगे जूते नहीं पहनता होगा। अरे बेकी मैं अभी जो मैंने शू पहन रखा है ना, वो 50 लाख रुपीज का है। क्या 50 लाख का जूता है? बेकी मैं मैंने अपने हाथों से उसको बनाया है, उसमें डायमंड ही डायमंड है, इसलिए 50 लाख का है। अरे फ्रैंकलिन मुझे ये बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए थे? मैं तो यहाँ पर शू खरीदने आया था, पर इतने ज्यादा महंगे शू मैं नहीं खरीद सकता। वो तो मुझे बताइए, तुम इतने गरीब हो तुम कैसे खरीदोगे? गरीब की बात नहीं, इतने महंगे जूते कोई नहीं पहनता, देख लेना ये तेरी शॉप बिल्कुल नहीं चलेगी और कोई भी नहीं खरीदेगा तेरी दुकान से जूते। अच्छा फैंकी मैं एक बार बाहर जाके देख के आऊं। बाहर क्या है? अरे काइजर ये क्या, इतने सारे लोग, अरे तुम क्यों आए यहाँ पे? अरे मैं तो शिनचैन सर की शॉप से बहुत सारे जूते खरीदूंगी। मैं तो बहुत सारे कपड़े खरीदूंगा, हा हा। अरे शिनचैन ये सब लोग कौन है? अरे फ्रैंकलिन कस्टमर्स है, कस्टमर्स ये मेरी शॉप पे आना चाहते हैं, हमें एक बार में अपनी शॉप में सिर्फ 2 जनों को आने देते हैं। अगर शू खरीदे तो खरीदो वरना निकलो ऐसे, मुझे पता है वैसे नहीं खरीद सकते, निकल जाओ ऐसे। अबे शिनचैन तू ज्यादा बोल रहा है, एक दिन ऐसा आएगा मैं ये सारे के सारे शूज खरीदूंगा और हर दिन एक नया जूता खरीदूंगा। अरे फैंकी मैं सपने देखना बंद कर दो, कुछ काम भी कर लो। अबे शिनचैन ज्यादा मत बोल, ये तेरी दुकान वैसे भी बहुत ही ज्यादा खराब है, इसका कलर तो देखो पिंक, पता नहीं ऊपर स्टार्स लगा रखे, मुझे समझ नहीं आ रहा। अरे फैंकी मैं ऐसे बाहर निकलो वरना सिक्योरिटी बुला दूंगा। अबे तेरी सिक्योरिटी डरता हूँ कि मैं? अरे सर आप बाहर जाइए वरना मैं सिक्योरिटी को बुलाना पड़ेगा।
अबे सोनू तू कौन है निकल जाए से? अरे फेंकी भैया आपने मेरे मैनेजर को मारा। सिक्योरिटी बोलिए सर क्या दिक्कत है? इनको जरा बाहर का नजारा दिखाना। अरे चलिए चल चल सर बाहर निकलिए बाहर निकलिए। अरे कोई जरिए सिक्योरिटी तो कैसी है ये देख सो तो हाथ ये हाथ में इतना बड़ा चाकू लेके आए। अबे के ये मुझे चाकू से मारने वाले थे। अरे फ्रैंकलिन यहाँ से बाहर नहीं निकालोगे तो चाकू भी मार देंगे। जल्दी बाहर निकलो। अरे सर बाहर निकलिए वरना मैं हथियार का यूज करना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं मेरे हथियार का यूज मत करना मैं जा रहा हूँ यहाँ से। निकल जाए यहाँ से गरीब वापस कभी मत आना। हाँ हाँ तेरी इस बेकार सी शॉप पे वापस आएगा भी कौन? अरे कैसरी शिंचे ने तो मुझे अपनी शॉप से बाहर भगा दिया। मैंने तो सोचा था आराम से जाके एक जूता खरीदूंगा पर ये तो शिंचेन की शॉप निकली और वो इतने ज्यादा महंगे महंगे जूते बेच रहे हैं कि अगर मैं अपनी पूरी की पूरी स्कूटी बेच दूं ना फिर भी मैं वहां का एक जूता भी नहीं खरीद सकता। वो जूते सही में बहुत ही ज्यादा महंगे थे और इतने सारे कस्टमर्स उसकी शॉप के बाहर खड़े थे। लगता है शिंचेन सही में बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुका है और मैं गरीब का गरीब रह गया। ना मेरे पास जूते खरीदने के पैसे हैं, मैंने बस ये स्कूटी खरीद ली है। अच्छा ये स्कूटी तो मेरे साथ हमेशा रहेगी, मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। अरे ये क्या हो गया? ये इसको स्कूटी को क्या हो गया? अरे क्या हो गया? पेट्रोल। अरे यार पेट्रोल खत्म हो गया। अरे काइजर ये क्या हो गया? हमारी स्कूटी का पेट्रोल बिल्कुल जीरो हो चुका है। ये क्या हो गया? मैं तो रोड पर आ गया। पहले कम से कम मेरे पास स्कूटी तो थी, अब तो मेरे पास स्कूटी भी नहीं है, उसमें पेट्रोल खत्म हो चुका। अब धक्का लगा के जाना पड़ेगा। काइजर ऐसे नहीं चलेगा, शिंचेन इतना ज्यादा अमीर हो चुका और मैं इतना ज्यादा गरीब हूँ कि मेरे पास स्कूटी है, पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं है, ना मेरे पास चप्पल है ना जूते है। मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, शिंचेन को दिखाना पड़ेगा कि हम कितने ज्यादा अमीर है। वैसे अमीर तो नहीं पर अमीर बनना पड़ेगा। और मेरा सपना है एक दिन शिंचेन ने जो शॉप खोली ना वैसी 10 शॉप खोलूंगा। वो सपना हम पूरा करके रहेंगे पर कैसे वो मुझे नहीं पता है, कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो कैसर मैंने सोच लिया है पैसे कमाने का एक खतरनाक सा तरीका। मैं लोगों की कार जाके अपग्रेड कराऊंगा वो भी बहुत ही कम पैसों में। अब आप सोच रहे होंगे कम पैसे में क्यों करानी है? क्योंकि कैसर मैं आया हूँ एक खतरनाक से मिलियनेयर के घर पे और कैसर मैं इसको इतने रुपए बताऊंगा कि इसको बहुत ही कम लगेंगे पर उससे सस्ते में मैं अपग्रेड करा के जो बाकी के पैसे बचेंगे मैं वो खुद रख लूंगा। इसलिए हम यहाँ पर आ चुके अपनी सबसे पहली जॉब करने। तो सबसे पहले हम इस गाड़ी को अपनी गाड़ी में अटकाना पड़ेगा। चलो फटाफट इसको लगा लेते हैं अपनी गाड़ी में। तो गाइस अभी हमने इसको गाड़ी में लगा दिया है। अरे लड़के मेरी बात सुन, मेरी गाड़ी बिल्कुल नई जैसी होनी चाहिए, इसमें थोड़ा सा डेंट और क्रैक आ चुके हैं, ये बहुत ही महंगी गाड़ी है। बोल कितने में करेगा? मैं आपके लिए करूंगा सिर्फ 10,000 में। क्या 10,000 में? ये तो बहुत ही सस्ता है, जा जल्दी करा खिला। अंकल आप टेंशन मत लो, आपकी गाड़ी को मैं एकदम चमकाने वाला हूँ। चलो गाइस फटाफट इनकी गाड़ी को यहाँ से लेके चलते हैं। मैंने इनको बोला है 10,000 में और मैं इनकी गाड़ी बहुत ही ज्यादा सस्ते में फिक्स करवा दूंगा और बाकी जितना ही पैसा बचेगा वो सारा का सारा मुझे मिल जाएगा। तो गाइस हमें बहुत ही तगड़ा आइडिया यहाँ पर मिल चुका है। चलो फटाफट से इनकी गाड़ी को फिक्स कराते हैं और अभी मैं थोड़ा इधर उधर ठोक भी सकता हूँ क्योंकि आखिरकार हम इसको फिक्स ही तो करवाने वाले हैं। चलो फटाफट से इस गाड़ी को लेके चलते हमारे गैराज पर। तो गाइस अभी अपने गैराज पर आ चुके हैं जहाँ पे इस गाड़ी को हम ठीक करवाएंगे। फटाफट से अपनी टो ट्रक को खड़ा कर देते हैं और हमने गाड़ी को यहाँ से उतार दिया है। चलो फटाफट से गाड़ी को लेके चलते हैं और इसको बिल्कुल नया जैसा कराते हैं। अभी ये गाड़ी नई कितने में होने वाली है? चलो फटाफट से इसको लेके चलते अंदर। और गाइस मैं भी ये काम मैं भी नहीं करने वाला, किसी और दूसरे से करवाऊंगा ताकि और भी सस्ता पड़े। ये देख सकते हो यहाँ पे रिपेयर व्हीकल का आ रहा है सिर्फ $300 में। उसने मुझे दिए थे $10,000 उसकी गाड़ी को फिक्स कराने के लिए और मैं सिर्फ $300 में इनको फिक्स करवा सकता हूँ। फटाफट से फिक्स करवा देते हैं। और गाइस मैं सोच रहा हूँ एक है थोड़ा सा आर्मर वार्मर लगा देते हैं, हम इसका थोड़ा सा कलर वलर चेंज करने वाले ताकि उसको लगे हमने उसके लिए बहुत ही मेहनत करी है। कौन सा कलर किया जाए देखते हो। ये बहुत ही मस्त लग रहा है, ₹1,000 का हमने यहाँ पे कलर करवा दिया और मेरे ख्याल से इतना बहुत है। तो गाइस अभी आप देख सकते हो ये गाड़ी हो चुकी है बिल्कुल नई जैसी, कितनी ज्यादा खतरनाक लग रही है। इस गाड़ी को हम टूटी फूटी लाए थे, हमने इसके ऊपर खर्च किए $2,000 और ये गाड़ी नई से भी ज्यादा अच्छी हो चुकी है। और गाइस हमें मिले थे $10,000, हमने खर्च किए $2,000, मतलब हमारा प्रॉफिट हुआ $8,000। तो अभी हमने $8,000 कमा लिए। चलो फटाफट से इस गाड़ी को डिलीवर करके आते हैं। ये वाला घर था। और अंकल ये देखो आपकी गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है। अरे तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया, ये तो बहुत ही अच्छी लग रही है, ये लो तुम्हारे पैसे।
थैंक यू अंकल। तो गाइस आखिरकार मुझे मिल चुके हैं $10,000। तो यही काम मैं करने वाला हूँ बहुत बार ताकि मैं बन सकूँ एक अमीर आदमी। और गाइस आपको बता दूं जो $10,000 मैंने अभी कमाया ना उसमें से मैं शिनचैन की दुकान से एक जूता भी नहीं खरीद सकता। पर एक दिन ऐसा आएगा मैं वो सारे के सारे जूते खरीदूंगा, उसकी पूरी की पूरी दुकान खरीदूंगा। बस आप देख लेना, अगर आप मेरे साथ हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो गुड लक फ्रैंकलिन, गुड लक फ्रैंकलिन। जल्दी जल्दी कमेंट कर दो ताकि मेरा लक बहुत सारा बढ़ जाए और मैं जल्दी से अमीर बन जाऊं। तो कैसर अपन यार आ चुके हैं अपनी अगली गाड़ी के लिए। और कैसर ये भी एक बहुत ही ज्यादा मिलनर लड़की है जिससे अगर हम जा रहे हैं और अभी हम यहाँ पर आ चुके हैं और इनकी गाड़ी की हालत लगता है ज्यादा ही खराब हो रखी है। अरे अच्छा है तुम आ गए, मेरी गाड़ी ले जाओ जल्दी से ठीक करवा दो। मैडम आपकी गाड़ी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है तो थोड़े ज्यादा पैसे लगेंगे। बताओ बताओ कितने, 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 कितने चाहिए, बोलो बोलो बोलो। अरे कैसा लगता है ये सही है बहुत ही ज्यादा अमीर है। मैडम मुझे बहुत ही दुखी के साथ कहना पड़ रहा है आपकी गाड़ी की हालत इतनी खराब है कि $50,000 लगेंगे। ओके तुम मेरी गाड़ी ला के दो, मैं तुम्हें $50,000 दूंगी। क्या मान भी गई, चलो बढ़िया है कोई बात नहीं। अरे कैसा की तो बहुत ही जल्दी मान गई, मैंने सोचा था ये बोलेगी नहीं थोड़ा कम करो क्या करो, पर ये तो एक ही बारी में मान गई। चलो कैसा फटाफट से इस खतरनाक सी गाड़ी को अपन टोइंग पे लगा देते हैं, फटाफट से उसको लीवर को नीचे कर देते हैं। और ये हमारा लीवर लग चुका है। चलो मैम मैं आता हूँ 50,000 लेने। तो कैसा ये तो सही में बहुत ही ज्यादा बड़ा होने वाला है, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था कि ये बहुत ही ज्यादा महंगी में रिपेयर होगी, पर मुझे पता है सेम ही प्राइस लगेगा और कैसा $50,000 मिलेंगे। देखते हैं कितने में रिपेयर होती है। और मैं सोच रहा हूँ इसमें थोड़ा आर्मर, थोड़ा सा इसका इंजन विंजन अपग्रेड करवा देंगे मैम के लिए, क्योंकि वो मुझे $50,000 देने वाली तो बहुत ही ज्यादा मजा आएगा। चलो बड़ा फट से हमारे गैराज पर लेके चलते हैं इसको। तो कैसर वापस से हम अपने गैराज पर आ चुके हैं, फटाफट से अपनी गाड़ी यहाँ पर खड़ी करते हैं और हमने इस गाड़ी को यहाँ पे नीचे उतार दिया। चलो फटाफट से इसके अंदर बैठते हैं और इसको रिपेयर करवाते हैं। चलो कैसर फटाफट से इस गाड़ी को डालते अंदर और इसको अपग्रेड कराते हैं। तो गाइस अभी हम इसको लेके यहाँ पर आ चुके हैं। इस गाड़ी की हालत आप देख ही सकते हो, इसके हर जगह से धुएं धुएं निकल रहे हैं। इसको हम रिपेयर करवा सकते हैं सिर्फ $500 देके और हम उन दीदी से लेने वाले $50,000। सबसे पहले रिपेयर करवाते हैं। भाई ये गाड़ी तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रही है। इसमें हम $300 की लाइट्स लगवाएंगे और नीचे आप देख सकते हैं इसके नीचे भी हम लाइट्स लगा सकते हैं, क्यों ना इसको भी लगा दिया जाए, क्योंकि हमें 50,000 मिलने वाले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक काम करते हैं इसमें नीचे लगाते हैं खतरनाक सी ये वाली लाइट्स। अभी आप देख सकते हैं इस गाड़ी को हम कितना ज्यादा खतरनाक करवाने वाले हैं। यहाँ पे हम इंटीरियर भी चेंज करवा सकते हैं, ये वाला अच्छा लग रहा है चलो ये करवा लेते हैं। और व्हील्स यहाँ हमने अपने बुलेट प्रूफ टायर्स भी यहाँ पे खरीद लिए। और गाइस मुझे लगता है ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा मस्त हो चुकी है। तो आप देख सकते हो इस गाड़ी को हमने पूरा रिपेयर करवा दिया है, नीचे खतरनाक सी लाइट्स लगवा दिए और थोड़े से मॉडिफिकेशन भी करवा दिए। और गाइस ये गाड़ी सही में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ अगर मैं इस गाड़ी को उनको दू ही ना तो मैं इस गाड़ी को बहुत ही ज्यादा महंगे में बेच सकता हूँ। ये गाड़ी कम से कम $5-6 लाख की तो होगी, आराम से हम इसको बेच सकते हैं बहुत ही महंगे में। आपने ये सोचा मैं ऐसी चोरी करूंगा? नहीं 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 मैं ऐसी चोरी नहीं करने वाला, मैं चोरी नहीं करता। हम अच्छी तरह मेहनत करके पैसे कमाएंगे और फिर शिनचैन की शॉप खरीदेंगे कभी ना कभी। तो अभी फटाफट से इसकी डिलीवरी करते हैं और $50,000 कमाते हैं। मैं अभी बोल रहा था कि मैं चोरी नहीं करता, मैंने इस गाड़ी का काम सिर्फ $4,000 में करवा दिया और बाकी के $46,000 तो मेरे जेब में जाने वाले हैं। कोई बात नहीं उनको कौन सा पता चल रहा है, चलो फटाफट से लेके चलते हैं। तो गाइस अभी हम इस गाड़ी को यहाँ पर लेके आ चुके। दीदी आपकी गाड़ी पूरी खतरनाक हो चुकी है, पहले से भी खतरनाक। अरे वाह तुमने तो मेरी गाड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह रिपेयर करवा दी। और ये क्या इसमें तो लाइटें भी लग चुकी है, तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया, ये लो तुम्हारे $50,000। ओके आंटी थैंक यू बाय बाय। तो गाइस अभी हमें हमारे $50,000 मिल चुके हैं इस पूरे के पूरे ब्रीफ केस में। $50,000 ये तो बहुत ही खतरनाक है, हमें हमारे $50,000 मिल गए ये बहुत ही ज्यादा है। एक सेकंड यहाँ पर क्या चल रहा है? अरे बेटो मेरी बात सुन, अगर हमने ज्वेलरी स्टोर को लूटा तो हमें कम से कम $50 मिलियन मिलेंगे। अरे बॉस 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 50 नहीं कम से कम $500 मिलियन, उनके पास बहुत महंगी महंगी ज्वेलरी है। अरे बेटू तू बिल्कुल सही कह रहा है, 500 मिलियन और हमें आज की आज करना पड़ेगा क्योंकि लॉस सैंटोस में पुलिस बहुत ही ज्यादा कम है। अगर हम आज के
आज रॉबरी करते तो हमें 500 मिलियन आराम से मिल जाएंगे, तो डन करते। आज शाम हम चोरी करेंगे ज्वेलरी शॉप में और चुराएंगे 500 मिलियन डॉलर्स। अरे कैसर, ये क्या बात चल रही है 500 मिलियन डॉलर्स चुराने की? ये तो बहुत ही खतरनाक है। अगर कैसर वो 500 मिलियन मुझे मिल जाए तो मेरी तो लाइफ चेंज हो जाएगी, पर मुझे ज्वेलरी स्टोर में रॉबरी करनी पड़ेगी। वैसे कर भी सकते क्योंकि इन्होंने बोला कि पुलिस बहुत ही ज्यादा कम है लॉस सैंटोस में, तो ये लोग आज शाम को चोरी करने वाले हैं और अभी दिन हो रहा है। अगर मैं अभी के अभी जाके वहाँ पे रॉबरी कर लूँ तो मुझे 500 मिलियन डॉलर्स मिल सकते हैं और ये शाम को जब आएंगे तो इनको एक ठेंगा मिलेगा। तो कैसर ये तो बहुत ही तगड़ा आइडिया है, मैं अभी के अभी जाने वाला हूँ, इन 50,000 डॉलर्स से खतरनाक वेपन्स लेने वाला हूँ और हम चोरी करने वाले हैं उस ज्वेलरी शॉप में। मुझे अब कोई भी नहीं रोक सकता उस ज्वेलरी शॉप में चोरी करने से। चलो फटाफट से वेपन्स खरीदते हैं। तो कैसर अभी हम आ गए यहाँ पे वेपन शॉप पे। हेलो अंकल, कैसे हो? तो कैसर हमें चाहिए बहुत खतरनाक वेपन्स और हमारा बजट है 50,000 डॉलर्स। तो फटाफट सबसे पहले एक कार्बन राइफल खरीदेंगे, इसकी बहुत सारी गोलियां खरीदेंगे, ये हमें मिली 1,000 डॉलर की, और यहाँ पे 3,000 डॉलर की गन ये भी खरीद लेते हैं, ये एक बार में 200 गोलियां चलाती है। एक सेकंड, ये तो मिनी गन है 11,000 डॉलर की, ये एक बारी में 1,000 गोलियां चलाती है, ये भी अपन खरीद लेते हैं। और कैसर आरपीजी तो खरीदना बनता है, इसको भी फटाफट से खरीद लेते हैं और देखते हैं इनके पास क्या क्या है, मैं वो भी सब खरीदूंगा। और हाँ, मुझे नॉर्मल पिस्टल्स भी चाहिए, एक काम करते ये वाली पिस्टल खरीद लेते, मशीन पिस्टल, ये नॉर्मल पिस्टल भी खरीद लेते हैं। और कैसर यहाँ पे क्या खरीदूं, ये खरीद लेते, ये बहुत ही ज्यादा मस्त लग रहा है, ये हैमर भी खरीद लेते हैं। और कैसर हमें स्मोक बॉम्ब भी चाहिए ना, इसलिए हमें स्मोक बॉम्ब, थोड़े से ग्रेनेड, थोड़े से स्टिकी बॉम्ब और थोड़ा सा पेट्रोल। और कैसर हमें यहाँ पे थोड़ा सा आर्मर भी खरीद लेने चाहिए, सबसे खतरनाक आर्मर है 1,800 डॉलर का, दे दो यार कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास 50,000 है, हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है पैसों की। और कैसर लगता है मैं बिल्कुल तैयार हो चुका हूँ उस खतरनाक से ज्वेलरी स्टोर में रॉबरी करने के लिए। तो कैसर अभी हम जा रहे हैं उस खतरनाक से ज्वेलरी स्टोर को रॉब करने के लिए। और कैसर आप सोच रहे मैं ये वाली गाड़ी क्यों लेके आया हूँ, तो कैसर सबको लगेगा ये नॉर्मल सा बंदा है, पर कैसर हम करने वाले हैं चोरी। मैंने मास्क वास्क पहन लिया, मेरे सारे के सारे वेपन्स यहाँ पे बिल्कुल तैयार है, मेरे पास है 3 ग्रेनेड, 3 स्टिकी बॉम्ब, 5 स्मोक, RPG, मिनी गन और भी पता नहीं क्या क्या चीजें मेरे पास है, और हम खतरनाक सी रॉबरी करने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। सबसे पहले सारे वेपन्स अंदर रख रहे थे, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, एक नॉर्मल सा बंदा बंदर का मास्क पहन के घूम रहा है, कौन क्या ही बोलेगा। और कैसर यहाँ पे ज्वेलरी स्टोर आ गए, इसके अंदर हम घुसने वाले हैं, करने वाले हैं अपनी रॉबरी। तो कैसर मैंने सारा का सारा देख लिया, सबसे पहले जाके हमें गार्ड्स को मारना है, ये देखो यहाँ पे ये टकला खड़ा है, इसको पहले मारना पड़ेगा। तो गन हमारी निकल चुकी है, सीधा जाएंगे और गोली मारना शुरू करेंगे। 3, 2, 1 ये ले साला, ये ले। और का सिक्योरिटी गार्ड, का सिक्योरिटी गार्ड, ए आंटी चुपचाप नीचे बैठ जाओ वरना मार दूंगा। तो कैसर अभी आप देख सकते हो सबको अपने चुपचाप नीचे बिठवा दिया, फटाफट से रॉबरी करते हैं और सारी की सारी ज्वेलरी चुराते, सारी ज्वेलरी लेके जाने वाला हूँ। और कैसर साइड में हमारा टाइमर भी आ चुका है, 1 मिनट 30 सेकंड में यहाँ पे पुलिस आने वाली है, अब सिर्फ 1 मिनट 20 सेकंड बचे, हमें जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा, सारी की सारी ज्वेलरी निकालनी पड़ेगी, 1 मिनट 15 सेकंड, जल्दी करो सारी ज्वेलरी मिलेगी, इतनी सारी पैसे मिलेंगे हमें। तो गाइस अभी 2 लाख डॉलर हमारे पास हो चुके हैं, हमें चाहिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स और इनको बेचेंगे ज्वेलरी को और सारे पैसे हमें मिल जाएंगे, जल्दी जल्दी करते हैं, 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में पुलिस आने वाली है। अरे गाइस हमें और टाइम चाहिए, गाइस आपको हमारी मदद करनी पड़ेगी और टाइम देने के लिए, तो फटाफट से कमेंट करो, आपको कमेंट करना पड़ेगा टाइम, उसके बाद हमारा टाइम और बढ़ सकता है, तो फटाफट से कमेंट कर दो टाइम ताकि हमारा टाइम बढ़ जाए, और सिर्फ 40 सेकंड बचे, जल्दी जल्दी कमेंट कर दो। मैं सारी की सारी ज्वेलरी उठाता जा रहा हूँ, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, सारी ज्वेलरी चाहिए मुझे। और कैसर सिर्फ 30 सेकंड और बचे, ज्वेलरी भी बहुत ही कम बची है, पर हम सारी की सारी लेके जा रहे हैं। ये डायमंड वाला नेकलेस बहुत अच्छा लग रहा है, ये भी दे दो, ये डायमंड वाली घड़ी ये तो और भी अच्छी है, ये भी दे दो। कैसर सिर्फ 17 सेकंड बचे, अरे जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, 15 सेकंड, जल्दी जल्दी करो, 10 सेकंड, अरे कैसर सिर्फ 10 सेकंड बचे और लगता है मैंने पूरा स्टोर लूट लिया है। चलो कैसर यहाँ से निकलते हैं, और ये क्या यहाँ पे पुलिस ऑलरेडी आ चुकी है, मुझे भागना ही पड़ेगा, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और मेरी गाड़ी भी उस साइड खड़ी है जहाँ पे पुलिस वाले। अरे ये क्या हो गया, अब मैं इनसे कैसे पीछे छुड़वाऊंगा। और कैसर यहाँ पे तो हेलीकॉप्टर वेलीकॉप्टर आ गए, मुझे जल्दी से कहीं ना कहीं तो निकलना पड़ेगा। अबे तेरी तू क्या कर रहा है, ये ले।
रुक जाओ कैसर, आरपीजी का यूज करते निकल जाओ यहाँ से। तो कैसर ये आरपीजी अभी काम तो आ जाएगी, पर यहाँ पे सही में बहुत ही ज्यादा पुलिस है, मुझे कुछ खतरनाक चीज सोचनी पड़ेगी एस्केप करने के लिए। हेलीकॉप्टर या सावर फटाफट से हेलीकॉप्टर को फोड़ते हैं। ये लो हेलीकॉप्टर हमने ब्लास्ट कर दिया, जल्दी भागो जल्दी भागो जल्दी भागो। उससे पहले जो पुलिस वाला मुझे इस तरफ जाते हुए देखे मुझे जल्दी से भागना पड़ेगा। ये मिल गई हमें बाइक, जल्दी जल्दी चालू हो जाए। चलो कैसे फटाफट से यहाँ से निकलते हैं, बहुत ज्यादा पुलिस हमारे पीछे पड़ चुकी है क्योंकि हमने इतनी बड़ी रॉबरी करी है, लॉस सैंटोस की ज्वेलरी शॉप लूट ली। जल्दी से जल्दी पुलिस से एस्केप करवानी पड़ेगी, कितनी सारी पुलिस है यहाँ पर। तो कैसर मेरे पास एक आइडिया है, मैं जाने वाला हूँ पानी में, क्योंकि पानी में पुलिस कम होगी और कोई भी पुलिस वाला अगर पानी में आएगा तो उसको मैं मार भी सकता हूँ। मेरे पास एक आइडिया है, वहां पे सामने बोट्स खड़ी होगी, मुझे उधर जाना पड़ेगा ताकि उन बोट्स में बैठ के मैं यहाँ से निकल सकूं। जल्दी जल्दी चलते पुलिस से एस्केप करानी पड़ेगी। कैसर एक बार ये पुलिस एस्केप हो जाए तो हम फिर खरीद सकते हैं शिनचैन का सारा स्टोर। ये ले हेलीकॉप्टर के बच्चे ब्लास्ट हो जा। चलो कैसर अभी बोट मिल चुकी है, यहाँ से निकलते ही पुलिस वालों ने मुझे देख लिया कि मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, पर कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो कैसर अभी हम बोट से निकल चुके, बहुत ही ज्यादा दूर आ गए लॉस सैंटोस से। अभी पुलिस वाले अभी बोट से मेरा पीछा करना चालू करेंगे, पर कैसर उससे पहले मैं छुपने वाला हूँ क्योंकि मैं जाने वाला हूँ पानी के अंदर। ये पानी के अंदर मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, मैं बिल्कुल पानी के अंदर गहरे पानी में जाने वाला हूँ ताकि मुझे ये पुलिस वाले यहाँ पे ढूंढ ना पाए। और कैसर अभी आप देख सकते हो बिल्कुल पानी के अंदर आ गए, घास में यहाँ पे बैठना है, बस अपनी सांस को रोकना है थोड़ी देर के लिए। थोड़ी सांस लेने में दिक्कत हो रही है पर कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर और सांस रोकेंगे तो पुलिस आराम से एस्केप हो जाएगी। तो कैसर बहुत ही देर हो चुकी, मुझे लगता है पुलिस आराम से अभी तक तो चली भी गई होगी। चलो यहाँ से फटाफट से बाहर निकलते हैं और बिल्कुल नॉर्मल आदमी की तरह चलेंगे, कोई अपन को दिक्कत नहीं करनी है। वो अलग बात है ज्वेलरी से भरा बैग हमारे पीछे लगा हुआ है, हमने बंदा जैसा मास्क पहन रखा है, पर कोई बात नहीं। यहाँ पे एक गाड़ी खड़ी, फटाफट से इसके अंदर बैठते हैं और चलते हैं यहाँ से फटाफट से, अपनी ज्वेलरी को डिलीवर करते रहे, बहुत सारा पैसा मिलने वाला है। चलो तो कैसर अभी हम आ गए अपनी ज्वेलरी को डिलीवर करने, हमें यहाँ पे अपनी ज्वेलरी डिलीवर करनी है। फटाफट से इनको अपनी सारी की सारी ज्वेलरी दे देते हैं और उसके बदले हमें ये देने वाले हैं बहुत सारा पैसा। तो गाइस हमारी रॉबरी पूरी की पूरी सक्सेसफुल हो चुकी है और हमें मिल चुके हैं 655 मिलियन डॉलर्स। 655 कितना ज्यादा बड़ा नंबर है। तो गाइस अब आने वाले मजे, क्योंकि सबसे पहले मैं जाने वाला हूँ शिनचैन के उस स्टोर में और शिनचैन को खुद के स्टोर से बाहर निकालूंगा, क्योंकि गाइस हम बहुत ही ज्यादा अमीर हो चुके हैं, हमारे पास बहुत सारा पैसा आ चुका है। चलो फटाफट से चलते शिनचैन को उसके स्टोर से बाहर निकालते हैं। तो कैसर अभी हम पहुंचने वाले हैं शिनचैन के शॉप पे और कैसर ये रही उसकी शॉप और अभी अब यहाँ पर आ चुके हैं और कैसर साथ में मेरे 1 करोड़ सिक्योरिटी, क्योंकि कैसर अब इतने ज्यादा अमीर हो गए तो सिक्योरिटी तो चाहिए। और भाई साहब देख सकते कितनी सारी सिक्योरिटी भाग के भी आ गई है। तो कैसर पूरी की पूरी सिक्योरिटी हमारी आ चुकी है। चलो फटाफट जाते हैं शिनचैन की शॉप पर। और शिनचैन क्या ले, फ्रैंकलिन तो फिर से आ गया। शिनचैन अब तू मुझे फ्रैंकलिन नहीं बुला सकता, अब तुझे मुझे फ्रैंकलिन सर बुलाना पड़ेगा, क्योंकि ये देख सकता है ये मेरी सारी की सारी सिक्योरिटी है और मैं बहुत ही अमीर हो चुका हूँ। अरे फ्रैंकलिन मैंने बोला था ना सपने मत देखा करो, ये सारे के सारे वही लोग होंगे जिससे तुमने पैसे मांगे, तुम्हें मारने आओगे। अबे बच्चे ये मुझे मारने नहीं आए, ये तेरी पूरी की पूरी शॉप लूटना है। मेरे बॉडीगार्ड्स जो जूता चाहिए जो कपड़े चाहिए सबका सब ले लो, और ये 9 लाख वाला जूता है ना, ये 9 लाख वाला जूता गरीबों में बांट दो, क्योंकि गाइस इतने ज्यादा अमीर हो चुके हैं कि मैं कम से कम 10-15 मिलियन डॉलर का जूता पहनता हूँ, ना कि ये नॉर्मल जूते। अरे फ्रैंकलिन सर ये क्या बोल रहे हो, ये कैसे हो सकता है, तुम इतने अमीर कैसे हो गए? शिनचैन तूने मुझे बोला था कि मैं कभी अमीर नहीं हो सकता, मैं बहुत ही ज्यादा गरीब हूँ, पर अब देख मैं कितना ज्यादा अमीर हो चुका हूँ। मेरे सारे सिक्योरिटी गार्ड तेरे स्टोर में भी ना पड़े, इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड है मेरे पास। एनीवे क्यों मर ये सब हुआ कैसे वो तो बताओ ना, वो सब एक सीक्रेट है। तू फटाफट से पूरा का पूरा स्टोर खाली कर दे, क्योंकि पूरा का पूरा स्टोर मैं खरीदने वाला हूँ। अरे क्या पूरा का पूरा स्टोर? हाँ शिनचैन पूरा का पूरा स्टोर मैं खरीदने वाला हूँ। ये नहीं देना पूरा का पूरा स्टोर का पेमेंट कुछ मिलियन डॉलर से मैंने गिने नहीं थे, बस तू रख ले। अरे क्या कुछ मिलियन डॉलर, ये तो बहुत ही ज्यादा पैसा है। अरे बेकी मैं प्लीज मुझे अपने साथ देख लो। अच्छा बेटा अभी तो फ्रैंकलिन बोल रहा था, अब फ्रैंकलिन भैया। अरे बेकी मैं प्लीज देख लो, ये पूरा का पूरा स्टोर रख लो,
लो, सारे जूते ले लो, पर मुझे अपने साथ रख लो। नहीं शिनचैन, मुझे तेरा स्टोर नहीं चाहिए, नहीं तेरे जूते। एनीवे की मेरी बात तो सुनो। फ्रैंकी भैया, मुझे बहुत ही बड़ी गलती हो चुकी है, मुझे अपने साथ रख लो। सॉरी फ्रैंकी भैया, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहता हूँ। क्या शिनचैन, तू वापस ये सब हरकत तो नहीं करेगा? अगर तू मेरे से ज्यादा अमीर हो गया तो मुझे छोड़ के तो नहीं जाएगा ना? नहीं फ्रैंकी भैया, आपको कभी नहीं छोड़ के जाऊंगा, प्लीज 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 फ्रैंकी भैया। अच्छा ठीक है रो मत, चल मेरे साथ चल ले। एनीवे की हम क्या करने वाले? शिनचैन, अब मैं ऐसे स्टोर नहीं, मैं मॉल खोलूंगा, बड़े बड़े मॉल खोलूंगा। मैं बनाने वाला हूँ लॉस सैंटोस की सबसे बड़ी बिल्डिंग, और फिर मुझे भी नया घर भी लेना है, क्योंकि मैं अभी अभी अमीर बना हूँ तो मुझे बहुत सारी चीजें करनी है। चल बड़ा शिनचैन बैठ जा, हम एक बहुत ही बड़ी ट्रिप पर जाने वाले हैं। एनीवे की मैं कहाँ जाने वाले? शिनचैन वो सब मैं तुझे बाद में बताऊंगा। चलो गाइज़र, हमारे साथ शिनचैन बैठ चुका है, और गाइज़र अब से शिनचैन भी हमारे साथ रहने वाला है। उसने मुझे सॉरी वॉरी बोल दिया है, अब वो बोल रहा है हमेशा मेरे साथ रहेगा। तो शिनचैन को भी हमने अपने साथ ले लिया, और अभी हम जा रहे हमारे नए नए घर पे। तो गाइज़र अगर आपको हमारा नया नया घर देखना तो फटाफट से कमेंट कर दो एपिसोड 2, क्योंकि इसके अगले एपिसोड में अपना नया नया घर दिखाएंगे और बहुत सारा पैसा उड़ाएंगे, बहुत ही मजा आएगा। तो फटाफट से अगर आपको देखना तो कमेंट कर देना। तो गाइज़र आज की वीडियो में इतना ही, अगर आपको आज वीडियो अच्छी लाइक कर देना, चाहे सब्सक्राइब कर देना, वीडियो फटाफट से कमेंट करके बता दो, और गाइज़र इंस्टाग्राम और डिस्कॉर्ड डिस्क्रिप्शन में वापस जाकर ज्वाइन फॉलो कर लेना। और गाइज़र हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।